हे गाइस, तो ये ब्लॉग है उदयपुर टेंपल के ब्लॉग का सेकंड पार्ट। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे उदयपुर टेंपल का जो ब्लॉग था उसमें आपने देखा कि हम कैसे मंदिर में पहुँचे और आपको मंदिर देखने को मिला कि मंदिर कैसा है। तो अभी इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ कैसा मेला लगता है और वहाँ पूजा अर्चना कैसे होती है, लोग दूर दूर से कैसे आते हैं और जब पूजा अर्चना होती है कितने भव्य तरीके से वहाँ पूजा होती है। सो आप इस व्लॉग को पूरा देखिए और इंजॉय करिए और कॉमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इन फ्यूचर और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। तो गाइज, ये है उदयपुर के देवता, गोलू देवता। जय हो गोलू महाराज, आपकी सदा जय हो और आप सभी के दुख दूर करना, सभी को सुख प्रदान करना। तो गाइज, अगर आप भी इनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय गोलू देवता जरूर लिखना, जिससे कि आप पर इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यहाँ इस नवरात्र में पूजा विधान है, चार बार यहाँ पूजा होती है। किसी भी मंदिर में उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश के अंदर दो मंदिर हैं ऐसे, उदयपुर मंदिर और एक दक्षिण भारत में, जहाँ चार पूजाएं होती है। ये भी आप इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले जहाँ हम गए थे उस तीर्थ का बड़ा भारी महत्व है। ये तीर्थ स्थल है, यद्यपि हमारे पास संसाधन नहीं होने की वजह से हम इसको एक प्रसिद्ध तीर्थ का मार्ग नहीं दिला पाए, फिर भी इसका बड़े बड़े तीर्थों से भी बहुत बड़ा महत्व है। तो गाइस, ये है माता रानी का मंदिर और इस नवरात्र के टाइम पे हम यहाँ इस उदयपुर धाम में आए हैं और यहाँ के माता रानी के दर्शन ना करें ये कैसे हो सकता है। तो हम आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। तो गाइस, यहाँ महाकाली के साथ साथ, देखिए ये महाकाली की मूर्ति है, इनके साथ साथ यहाँ महागौरी और दुर्गा माँ भी हैं। तो गाइज, देखिए इस फ्लावर को, यहाँ वैसे फ्लावर की बहुत सारी वैरायटी है पर इस फ्लावर को देखिए, ये दो शेड में है, आधा रेड है और आधा पिंक है। वैसे मैंने ये तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, हमारे घर में भी है पर उसमें दो तीन ही पंखुड़ियाँ हुई रहती हैं अलग कलर की, पर इसमें तो आधा ही फ्लावर देखो रेड है और आधा पिंक, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना ये। तो चले तो गाइज, ये मंदिर से हमारा गांव भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये बहुत टॉप पे है और टॉप से नीचे देखिए ये घाटी है, जो घाटी में ही हमारा गांव है। तो हम ढूंढ रहे थे, अभी तक हमें दिख गया है, अब हमारा घर भी दिख रहा है और तो और यहाँ से, और हमारी दुकान भी दिख रही है। तो देखिए कितने सुंदर नज़ारा है यहाँ से, मतलब टॉप पे अगर कोई मंदिर होता है तो वहाँ से सारे चारों तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही इस मंदिर का भी है। यहाँ देखिए वैसे जंगल पे है पर बहुत, यहाँ देखो देवदार के भी पेड़ हैं तो इनसे ज़्यादा ही यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज, देखिए ये नवरात्र के टाइम पे उदयपुर मंदिर जो है, यहाँ पूजा भी आती है, सप्तमी है आज, तो आज भी आएंगी और कल अष्टमी के दिन भी आएंगी। और ऐसा होता है कि नवरात्र में पूजा कभी भी लेके आते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, और हमारे जो पहाड़ी जो ये निशान होते हैं वो साथ में आते हैं और ढोल नगाड़े लेके आते हैं ये लोग। बहुत ही मतलब कि पूजा आ रही है कि खुश होकर अपनी पूजा दे रहे हैं, इनकी मन्नत पूरी हो गई होगी तो ये गोलू देवता को पूजा अर्पित करते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा में इसे जोनार बोला जाता है, हमारे यहाँ तो इसको जोनार बोलते हैं। तो देखिए ये है जोनार, और अभी क्या पता इसके बाद भी आएंगे कोई जोनार। और देखिए सामने पे
जो महिलाएं होती हैं, जिस परिवार की जो नार आती है तो वो अपने सर पे डलिया लेके आती है, और गांव के लोग भी आ रहे हैं साथ में, तो ये पूजा इस तरीके से मंदिर में आती है। कितने दूर से आए हैं आप लोग? आप बनारस जी बाजपुर से आए? बाजपुर से इतनी दूर पहुंच गए इतनी चढ़ाई में? ये सारा सामान कैसे लेके आए हैं? ये खच्चरों से लाए। अच्छा, काफी ऊंचाई में है ना, क्योंकि ये क्या है? पूजा घर में रख दोगे बल्ब के सामने, चमकेगा। हाँ, देखिए इसमें जितने कलर है ना, ये देखो ये कलर देखो। अच्छा, कांच के है ना ये? हाँ जी। कितने का है? 10 रुपये। तो गाइज हमने मंदिर भी घूम लिया, मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, पूजा पाठ भी कर ली है, अब हमें लग चुकी है भूख। और ये भैया की, ये भैया ने यहाँ पे शॉप लगाई हुई है, हम बैठे हुए हैं। और हमने क्या क्या मंगाया है देखिए, हमने रायता, छोले, और हम रोटी घर से ही लेके आए हुए थे, तो हम पहले ये खा लेते हैं। भूखी बैठी है, क्या खाओगे? केला खाओगे? हाँ तुम्हें पता है, ए शिंटी शिंटी, चंदा ने मुझे एक इंटरेस्टिंग वो बताया था। क्या बताया था? फैक्ट। क्या? कि वो होता है जहाँ, हेलो, ऐसे आ जाती है ना, डरती नहीं है इंसानों से, तो वहाँ के लोग अच्छे होते हैं।
ना ना मैं तो बस बनाते हुए देख रही हूँ। नया गरम गरम है अभी बल्ब। आ जाओ भैया ताजा ताजा। उसमें डालते हैं ना ये लाइट कलर डाल रहे हैं ना तभी लाइट लाइट आ रहा है। देखो वरना डार्क जैसा नहीं होता हल्का डार्क तो गई। तो गाइज हमने भगवान के दर्शन भी कर लिए हैं और पूजा अर्चना भी कर ली है, तो अब हम जा रहे हैं घर को। और बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि अभी जा रहे हैं मंदिर को, क्योंकि मैंने सुना कि आज रात क्या होगा यहाँ जागर लगेगी, तो दूर दूर से लोग उस जागर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। रास्ते में हमें क्या दिखाया है देखिए, लोगों ने कितनी सारी मिर्च लगाई हुई है, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए कितनी वाइड एरिया है। सो गाइज अभी हो चुकी है रात और सबने खाना खा लिया है और सब सो भी गए हैं, और मैं ये वीडियो को अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं जब मंदिर से आई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं थोड़ा सा आराम किया, फिर उसके बाद अंधेरा ही हो गया था। मैंने फिर खाना बनाया और तो अभी इसी वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। गर्मियों के लिए ये प्लेस बहुत ही बेस्ट है और बहुत अच्छा लग रहा था। बस थोड़ा ऊपर जाते वक्त तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके से गए हम, अच्छा लगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ पैरों में, क्योंकि मंदिर को देखने की एक उत्सुकता थी ना। फिर जब पूजा पाठ सब हो गई थी, जब हम घर को आ रहे थे तो ऐसे डाउन पे था तो पैर ऐसे ऐसे कांपने लग गए, मतलब बहुत ही दर्द होने लग गया बेहिजाब। तो जिनको तो आदत है चलने की वो तो बहुत ही स्मूथली चल सकते हैं वहाँ पर। अब ऐसा है ना, हम लोग यहाँ पर हम पहाड़ में तो रहते हैं बट फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं ना, तो ऐसे पहाड़ चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। मन में अगर श्रद्धा हो, अगर कोई नई जगह देखने की जब उत्सुकता होती है तो फिर तो कुछ नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में जाके, और काफ़ी मतलब सुकून मिला दिल को। और वहाँ मेला भी लगा हुआ था, मतलब ऐसा होता है कि ये नवरात्र में 9 दिन तक पूरा मेला लगता है वहाँ। और फिर हमने वहीं खाना खाया और फिर हम घर को आ गए। तो ये था मेरा उदयपुर का ब्लॉग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।